ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हूं हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातृश्वरी नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज का कुंडली देखने में कुछ लोग मानसिक दिन में शक्तिहीन जैसे लग रहा है, दिन में दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिन में भेजा काम नहीं कर रहा है, रात को थोड़ा बहुत ठीक लगे तो लगे। किसी को रात अच्छा नहीं लग रहा है, दिन अच्छा लग रहा है। किसी को अशांति जैसे लग रहा है, किसी को अतृप्ति लग रहा है, किसी को चिड़चिड़ा लग रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है जो समझ नहीं पा रहे। कोई किसी का बीबी बोल रही है कि हमसे आप गुस्सा है, क्रोधित है, बिन फालतू का काहे क्रोध करते हो जी। अच्छा अच्छा तो ये जो सारे समस्याएं बलहीन वगैरह, जो मकरू को लग रहा है, कुंभ को लग रहा है, कुछ हद तक मीन वालों को भी, मेरे पास जो रिपोर्ट है ज्यादातर मकर और कुंभ का आया है, उनका कुंडली में विश्लेषण कर रहा था ऐसा क्यों लग रहा है। अच्छा दूसरा प्रश्न था मकरू लोगों का, गुरुजी धन धुन था, ठीक ठाक मिल रहा था, अभी फट से फिर क्या हो गया, बैटरी डाउन हो गया। अरे सुबह महाराज एक घंटा का वीडियो दिया हूं, अभी फिर से वही पूछ रहे हो। कोई बात नहीं, सुन लीजिए। शनि क्षेत्री मकर और कुंभ होते हैं, मेन बेस तो यही है। शनि के शक्ति ऊर्जा लाइट करंट विद्युत एनर्जी वेव से मकर और कुंभ का जीवन चलता है, चाहे लग्न राशि हो या फिर शनि के जो तीन नक्षत्र हैं, पुष्या वाला पुष्या नक्षत्र शनि का, अनुराधा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जिनका जन्म चरण चंद्रमा में है, ये फीलिंग्स इनको भी लगता रहेगा। किसको? कर्क राशि का पुष्या नक्षत्र, वृश्चिक राशि का अनुराधा नक्षत्र, मीन राशि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। अब देखो ये तीनों नक्षत्र वालों को ढैया और साढ़े साथी लगा है। मीन राशि उत्तर भाद्रपद साढ़े साथी, कर्क पुष्या ढैया, वृश्चिक अनुराधा ढैया, एक साथ का खेल देख लो। इनमें इन नक्षत्र पद में जन्मों को इनको थोड़ा कम लगेगा, कुंभ और मीन वालों को थोड़ा ज्यादा लगेगा, इन लग्न के लोगों को थोड़ा ज्यादा लगेगा, इन नक्षत्र लग्न वालों को भी थोड़ा ज्यादा लगेगा। रेमेडी कुछ है? लाइन ही नहीं है तो क्या रेमेडी उसका? आपको शांति करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि शनि का जाप कर लो, पीपल वृक्ष का परिक्रमा कर लो। टेक्निकली पावर कट है यार, जो लोग इन्वर्टर रखे हैं उनका बॉल जलेगा, उतना देर तक जलेगा जितना इन्वर्टर बैटरी पावरफुल रहेगा। यानी जो पहले से शनि बाबा को सेटिंग करते करते आए हैं उनका इस समय रिकवरी एनर्जी देगा। किनको? जो लोग शनि बाबा का मंत्र जाप हवन, मां काली का मंत्र जाप हवन, आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा को स्टॉक, अभी इस समय ऐसा लग रहा है और मैं अभी बोलूंगी कि जाओ अभी दो माला जप लो ठीक लग जाएगा, वो तात्कालिक में लग सकता है। इसलिए तो यंत्र साधना बताया गया कि यंत्र जो जैसे मां काली का यंत्र, हनुमान कवच का यंत्र और ये जो शनि बाबा के लिए जो ये सब पहना जाता है, ये सब में क्या है, स्टॉक एनर्जी रहता है। और इस समय ये आपको सुरक्षा देता है, लेकिन ये सिद्धि होना चाहिए। इसके ऊपर आप जितना जो जप जप तप करते हैं उसका सिद्धि होना चाहिए, हवन किए हैं रखे हैं तब बैकअप देता है। लेकिन इन वस्तु द्रव्य से ज्यादा आपकी आत्मिक शक्ति ही ज्यादा बैकअप देता है। ये जो आपको इस समय ऐसा लग रहा है इसके लिए,
रेमेडी एक ही है, सुबह शाम अग्निहोत्र या फिर वलिवश्य या फिर हवन। बैठ जाइए, हवन करने के लिए शनि मंत्र में जिनको जो मंत्र आता है, लेकिन जब करो तो शादी और पत्यादि देवता का भी करना। और उदक स्पर्शनम, शनि के पता होगा जल स्पर्श करके करते हैं, उसका विधान समझ लीजिएगा, एक प्रोसेस है। दूसरा प्रश्न था कि मकर वाले बोल रहे हैं कि धन आना रुक गया है, कम हो गया है, बिजनेस ठप हो गया है, ब्रेकडाउन हो गया है, शटडाउन हो गया है, पैसा नहीं आ रहा है, कल तक आ रहा था अभी बंद हो गया, आगे चल के महाराज लोग और होगा। क्यों होगा? अभी आपके यहां चतुर्ग्रही योग तो बनेगा बनेगा, यहां फिर सूर्य पहुंच जाएंगे कौन, अष्टमाधिपति, और अष्टमाधिपति जहां जाता है वहां आपको लिए अच्छा होता है ऐसा तो कदाचित नहीं कहा जाएगा। और इसलिए सूर्य जैसे अष्टमाधिपति जहां जाए तो वहां अष्टम का तो पीड़ा होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। दूसरा अग्नि कारक ग्रह है कुंभ, ठंडा हवा, ठंडा वायु तत्व का राशि है, शनि वहां बैठा है और ठंडा है, गर्म हवा वहां प्रवेश करेगा, तो गर्म हवा प्रवेश करते, गर्म अग्नि प्रवेश करते ही, अब देखिए इस समय ना फेब्रुआरी का 15 नहीं हुआ है, 15 के बाद थोड़ा थोड़ा गर्मी बढ़ता है और महुआ, हम लोगों का माहौल गिरता है, उसको हम लोग बोलते हैं महुआ ठंडा, भयंकर ठंडा होता है, कप कपा देता है। लेकिन शनि कंबस्ट, कंबर्शन स्टार्ट होने के कारण इस बार फेब्रुआरी 8-9 से ही स्वेटर कंबल सब छोड़ना पड़ रहा है, और कोई स्वेटर वोटर नहीं है, देखो एकदम घूम रहे हैं जैसे, सडन ठंडा कम हो गया। तो ये परिणाम है। अब मकरू वाले, आपका धन का घर लॉक एंड ब्रॉक, आगे राहु, पीछे मंगल, और बीच में घुसेगा सूर्य, जला देगा। शनि खुद खत्म, धनेश खत्म, तो यह परिस्थिति आने वाला 45 दिन तक। और आपको यह भी पता होना चाहिए धन गृहे मंगल, धन के घर में मंगल, दरिद्र दोष भवति। अब इस बार तो शनि मंगल का युद्ध है, और शनि मंगल जहां बैठते हैं द्रव्य नष्ट ही होता है, युद्ध होगा। तो ये कब से बोला, अभी फिर से पूछोगे तो उसको क्या बार बार रिपीट करूं आपको, ये 45 दिन, ये 45 दिन, एक तरफ ये ब्लॉक है, उसके बाद फिर दोनों यहां युद्ध। तीसरा समस्या है, आप देखोगे अभी कोई फटाका फैक्ट्री में आग लग गया, जैसे जैसे मंगल शनि और राहु के पास पास जाएंगे, आगे चल के इस प्रकार के और भी कई प्रकार के दुर्घटनाओं का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और इसका वीडियो मैं पहले से दे दिया हूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, मेरा जीप में, ओपन जीप है, बर्ट्री टर्मिनल जला हुआ था बिना मतलब का, राउरकेला स्टील प्लांट, कई 100 करोड़ का कंट्रोल रूम राख हो गया था, इसका बहुत सारा एग्जांपल दिया हूं, रिपीट नहीं करना चाहता हूं। तो इस समय घर का शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिक, इन्वर्टर, फ्रिज, गैस चूल्हा, इलेक्ट्रिक के जितने, और आपके घर में देखना पुराना खाता बही, अनयूज कपड़े, हमको फायर सेफ्टी का जो क्लास हम लोग लेते हैं उसमें बताया जाता है घर में सब नहीं रखना चाहिए, बाय मिस्टेक थोड़ा फायर पकड़ता है ना, बढ़ता है,
कल एक घर गया था वास्तु करेक्शन के लिए, पुराना लकड़ी का टेबुल चियार खटिया कबाट लगाए रखे हैं जी, काम में आएगा, मेरा पूछता ही नहीं है। अरे मेरे को आज के डेट में ये सब चलता ही नहीं है, सेकंड हैंड बेचोगे कबाड़ा में तो 500 नहीं मिलेगा। लेकिन आदत से मजबूर घर में डाल के रखे हैं, तो कृपा करें आने वाला ये 45-45 दिन। हाँ लेकिन एक बात है, इस माइनस माइनस में एक प्लस भी होगा। इन 45-45 100 दिन में 90 दिन में किसी ना किसी मकर राशि वालों को सडन हैवी धन प्राप्ति भी योग है, क्लिक कर जाएंगे, रॉक कर जाएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है 3-4% को। जहां प्रचंड नेगेटिव चल रहा है, धनहीनता, दरिद्रता, पैसा कमी, धन ब्लॉक, उस जगह में ऐसे भी संवाद आने वाला है, इस माइनस माइनस में किसी को प्लस भी होगा, तो वो मात्र 3% से 5% लोगों को होगा। जिनको होगा वो भी अभी लंबा है, जिसका कुंडली में शनि बकरी हो, 3-11-6 में हो, वगैरह वगैरह बहुत सा नियम है, नवांश वगैरह सब कुछ, उतना नियम बताऊं लंबा हो जाएगा। तो ये सिनेरियो है सर, सेफ्टी बता दिया, और इस समय कुंभ वालों को और मकर राशि के परिवार सज्जन, कोई कुंभ राशि का हो तो, या मकर राशि के परिवार में तो, या मकर राशि के इस समय वाणी को कंट्रोल करना, चुप हो जाना, नहीं बोलना, आपके वाणी के कारण कोई आत्महत्या जैसे स्टेप दिखाई दे रहा है। अगर आप कम्युनिकेशन सिस्टम में काम कर रहे हो, किसी ऑफिस फैक्ट्री इत्यादि में वाकी टॉकी के साथ काम कर रहे हो, कोशिश करो ईमानदारी से दूसरे को पकड़ा देने के लिए कि बोला हम नहीं बोलेंगे, कृपा करें लो 100 रुपया और तुम संभालो, सबॉर्डिनेट बॉस को तो खुद मत करो, एक गलत कम्युनिकेशन फायर कर सकता है, किसी का जान भी ले सकता है वाणी के कारण आपके परिवार में। आप जहां पैसा वगैरह 56 इंच को छुपा छुपू के टैक्स बचा के रखे हो, ईमानदारी से निकाल के उपयोग कर दो, 56 इंच को नहीं ठग सकते बाबू लोग, वो कहीं ना कहीं से निकाल लेगा, कोई मजाक थोड़ी है 56 इंच, 56 इंच 56 इंच है। तो जो रखे हो उपयोग करो, उपयोग कर दीजिए, वरना आप देख रहे हो कि इंडिया में कोई चीपे मिनिस्टर बचा ही नहीं है, सबको अंदर घुसेड़ दिया बेटा, सबको 56 इंच दिखा दिए, बाकी अभी केजरीवाल वेजरीवाल सबका ढीला हो चुका है। ये सब प्रेडिक्शन में दे चुका हूं, इलेक्शन वाला वीडियो में देख लीजिएगा, चलेगा बवंडर और नाटक और नौटंकी, और हो गया है कोई बात नहीं। तो ये सिनेरियो, क्योंकि ये धन का घर और आपके पास बैटरी एनर्जी नहीं है, आप आपके सिस्टम में रिकवरी कर रहे हो, तो इस क्षेत्र में आपको समाधान बता दिया, समझ में आ जाए तो अच्छा बात है। धन्यवाद, नमस्कार।